नमस्कार किसान भाई, आज हम बात करेंगे श्री राम सुपर 111 के बारे में। 111 गेहूं की वैरायटी है। इस गेहूं की वैरायटी की पूरी जानकारी हम देंगे आपको, जैसे कि ये कितने दिन की फसल है, इसका कितने दिन के मतलब कितने पानी की आवश्यकता होती है, और ये कौन कौन से रोग के प्रति सहनशील है, ये किस मतलब कितना उत्पादन देता है, ये सभी हम जानकारी आपको आपको देंगे इस वैरायटी की। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहा करें। मैं अमर कुमार पटेल किसान भाइयों का एग्रीकियन चैनल में स्वागत करता हूं। इसके हम अगर बात करें फसल की अवधि के बारे में, तो किसान भाइयों इसकी फसल की अवधि होती है 105 से 111 दिन की होती है, और इसकी बाली आने की दिन के बारे में हम बात कर ले तो ये 75 से 80 दिन में इसकी बालियां आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही शानदार वैरायटी होती है किसान भाइयों, कम दिन के लिए काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके हम दूसरी बात बात कर ले किसान भाई इसके पौधे की हाइट के बारे में, तो इसके पौधे की हाइट होती है नॉर्मल होती है 100 सेंटीमीटर की होती है, ज़्यादा लंबी हाइट नहीं होती है, गिरने के प्रति भी सहनशील होता है इस कारण। और इसके बीज दर के बारे में बात कर ले तो यह एक रिसर्च वैरायटी है, इसका 40 किलो बीज लगता है प्रति एकड़ के दर से, तो यह बहुत ही अच्छा बीज दर होता है बाकी अन्य मुकाबलों के। तो इसके हम बात कर ले इस कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो यह कम पानी में भी पककर तैयार हो जाता है। तो इसके पानी के बारे में बात करें कितना लगेगा, तो 3 से 4 पानी में इस पककर तैयार हो जाएगी इसकी फसल किसान भाई, बहुत ही शानदार। इसका मतलब पानी का परसेंटेज बहुत कम लगता है क्योंकि इसके अवधि कम होती है, इस कारण इसको पानी की कम आवश्यकता होती है। तो आपको मालूम ही होगा कि इसे पानी क्यों कम लगता है ना। हम आगे बात कर लें तो इसके उत्पादन की, तो उत्पादन बहुत ही शानदार है इसका। इसका उत्पादन होता है 24 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से, बहुत ही शानदार है उत्पादन। तो उत्पादन की दृष्टि से, इसे कम दिन के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही शानदार है। और इसकी बुवाई के बारे में बात कर ले तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुवाई की जा सकती है, और पूरे दिसंबर भी की जा सकती है इसकी बुवाई। तो जिन किसान भाइयों के पास में पानी की सुविधा कम हो तो यह वैरायटी लगा के उत्पादन ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं खेती का। ये बहुत ही शानदार वैरायटी है उत्पादन के दृष्टि से। तो किसान भाइयों इस वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।